डबरा कस्बे में मंगलवार सुबह बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने तमंचा दिखाकर 35 लाख रुपए की लूट कर ली है। व्यापारी बैंक से पैसे निकालकर अपने साथी के साथ जा रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सीसीटीवी में लुटेरे आ गए हैं। पुलिस ने डबरा कस्बे सहित आसपास हाईवे पर नाकाबंदी कर दी है। दिन दहाड़े लूट की घटना के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया है। मौके पर सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। डबरा थाना क्षेत्र के तहत व्यापारी राम बजाज ने HDFC बैंक से 35 लाख रुपए निकाले और अपने साथी के साथ बाइक से जा रहे थे। जब वे ठाकुर बाबा रोड पर विनोद जैन अड़तिया के सामने पहुंचे थे कि बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आए और राम बजाज की बाइक को रोक कर कट्टा तान दिया। कट्टे अड़ा कर दोनों बाइक सवारों ने नोटों से भरा बैग व्यापारी से छीना और फरार हो गए। आरोपितों के दौरान जब तक व्यापारी शोर मचाते तब तक आरोपित मौके से भागने में सफल हो गए। हालांकि शोर सुनकर आसपास लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। साथ ही डबरा कस्बे सहित हाईवे पर नाकाबंदी कर दी, लेकिन लुटेरों का पता नहीं लगा। जिस जगह पर लूट की वारदात हुई थी पुलिस ने उस जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो एक जगह पर लुटेरे नजर आ गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। खास बात यह है कि सोमवार को ग्वालियर शहर में 1,20,00,000 की लूट हुई थी। हालांकि पुलिस ने 6 घंटे में आरोपितों को दबोच लिया और लूटी गई पूरी रकम को बरामद कर लिया था। अब दूसरे दिन डबरा कस्बे में लूट की वारदात हो गई। व्यापारी से हुई लूट के बाद व्यापारी कानून व्यवस्था को लेकर आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। इसकी वजह यह है कि डबरा कस्बे में लगातार लूट व अन्य आपराधिक वारदात बढ़ती जा रही है, जिससे व्यापारी वर्ग खतरा महसूस कर रहा है। जहाँ में नहीं आई अपने घर के दरवाजे बारे में सोने तो वही स्टैंड बलात रहे हो वादे गाड़ी है जो लोग पान भागे हो तो वहाँ पीछे वाले ये लगा है और जो फायर